ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। इस वीडियो सीरीज में हम जानने वाले हैं साइंस के ब्रांचेज के बारे में। बात शुरू करते हैं फिजिकल हायरार्की से, जिसे जनरली हम फिजिक्स केमिस्ट्री आदि में पढ़ते हैं। वैसे तो एटम से भी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस हायरार्की के बेस में यानी कि सबसे नीचे एटम मतलब परमाणु को रखेंगे, क्योंकि इनसे छोटी चीजों की स्टडी भी तो फिजिक्स में ही करते हैं। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल यानी अणु बनेंगे। एटम और मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। आगे इनके इंटरेक्शन से दो तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनते और बिगड़ते रहते हैं, यानी ऊर्जा का बहाव के कारण अपना स्वरूप चेंज करते रहते हैं। बहुत ही छोटे स्तर पर लिविंग यानी जीवित चीजें और बहुत बड़े स्तर पर नॉन लिविंग या निर्जीव चीजें। लिविंग की बात करें तो इनमें एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड इत्यादि के मिलने से सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग बनते हैं। कोशिकांग के मिलने से सेल बनेंगे, जो जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है। ढेर सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलकर कोई सिमिलर काम करने लगेंगे, तब उस संरचना को हम ऑर्गेन बोल देंगे। और ढेर सारे ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से बड़े ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे हम लोग। बायोलॉजिकल हायरार्की के हर एक लेवल पर पर्याप्त जीवन है, चाहे वो सिंगल सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गेन हो या ऑर्गेन सिस्टम हो। जिस लेवल पर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें उसी लेवल पर जीव या ऑर्गेनिज्म की संज्ञा दे दी जाती है। सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक बायोलॉजिकल हायरार्की में आएंगे। ऑर्गेनिज्म से आगे आने वाली चीजें इकोलॉजिकल हायरार्की में रखे जाएंगे, जिनकी स्टडी इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें अगर बात करें तो एक ही जैसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन बोल देंगे। अलग अलग जातियों के पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी जब नॉन लिविंग चीजों से मिलेगी तब इकोसिस्टम बोला जाएगा। बड़े इकोसिस्टम को बायोम बोला जाएगा। धरती का वह भाग जहाँ जीवन पाए जाते हैं उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। एटम, मॉलिक्यूल आदि मिलकर जो नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें क्रिस्टल, कोलोइड्स और मिक्सचर वगैरह बनेंगे, जो कुछ ज्योग्राफिकली बहुत बड़े स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसपे लाइफ सस्टेन कर पाता है। इनकी स्टडी हम जनरली ज्योग्राफी में करते हैं। लिथोस्फीयर धरती की सॉलिड सर्फेस, हाइड्रोस्फीयर वो भूभाग जहाँ पानी भरा है, एटमोस्फीयर धरती पर जो गैसियस लेयर का घेरा है। आगे स्टार्स बनाएंगे, जैसे कि सन, ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम, उसके बाद गैलेक्सी, ये सारी चीजें कलेक्टिवली बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, यानी यूनिवर्स या ब्रह्मांड का निर्माण करती है। पुराने लोग जब स्टडी करते थे उस वक्त डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में कोई खास बाउंड्री नहीं थी, क्योंकि सीमित नॉलेज थी, नेचर को ऑब्जर्व करने के संसाधन बहुत सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बेहतरीन रिसर्च होते चले गए, हम लोग साइंटिफिकली डेवलप होते चले गए, क्योंकि अभी भी हो रहे हैं। तो इसकी स्टडी में सुविधा के लिए, नॉलेज को व्यवस्थित रखने के लिए इसके ब्रांचेस बना दिए गए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहे थे। साइंस को मेनली 5 ब्रांचेस में बांटा गया, जिनसे और ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं। पहला फॉर्मल साइंस, जिसके मुख्य ब्रांचेस में मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर साइंस आदि आते हैं। दूसरा नेचुरल साइंस, जिसमें फिजिकल साइंस और लाइफ साइंसेज आते हैं। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग मैटर्स को पढ़ते हैं। इसके मेन ब्रांचेस की बात करें तो फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस इत्यादि है। लाइफ साइंसेज में बायोलॉजी, इकोलॉजी से जुड़े सारे सब्जेक्ट आएंगे। तीसरा सोशल साइंस, जिसमें ह्यूमैनिटीज या आर्ट से जुड़े सब्जेक्ट्स आएंगे। यही तीनों मेन है, बाकी इन्हीं तीनों से निकलने वाले ब्रांचेज के मिलने से बनते हैं। चौथा अप्लाइड साइंस है, साइंस के ज्ञान और खोजों को जब हम प्रैक्टिकल यूज यानी अपनी सुविधा के लिए यूज करने लगते हैं, तब वो अप्लाइड साइंस के अंतर्गत आते हैं। पांचवा इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, जब साइंस के एक से अधिक ब्रांच मिले होंगे तब वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के अंतर्गत आएंगे। टाइम के साथ साथ हमारी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के संसाधन भी बढ़ते गए, जिससे हमारी नॉलेज में और बढ़ोतरी हुई। नॉलेज की कोई सीमा तो है नहीं, लोग किसी छोटे टॉपिक पर सुपर स्पेशलाइज यानी बहुत ज्यादा स्टडी करने लगे, तो साइंस की मेन ब्रांचेस से और छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते गए। और जब उन पर कभी कुछ बेहतरीन रिसर्चेज होते तो धीरे धीरे लोग उसकी भी स्टडी करने लगते और फिर वो भी साइंस का एक प्रोमिनेंट एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाता। हम अपनी समझ और जरूरत के अनुसार अलग अलग ब्रांचेस को आपस में जोड़कर स्टडी करने लगे, जिससे डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का विकास होते गया। आजकल तो किसी भी चीज के स्टडी करे कोई ना कोई दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज यूज में आ ही जाता है। इसी कारण अगर इस टेबल में जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाएंगे, साइंस के ब्रांचेस भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम फॉर्मल साइंस से नेचुरल साइंस और नेचुरल साइंस से सोशल साइंस की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फैक्ट्स बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यानी नेचुरल साइंसेज इंडिपेंडेंट और ज्यादा सिंपल होगा सोशल साइंस से, और फॉर्मल साइंस इन दोनों से ज्यादा स्वतंत्र और सिंपल होगा। फॉर्मल साइंस से सोशल साइंस की तरफ बढ़ने पर थ्योरीज में काफी सारे एक्सेप्शंस होंगे। ये एक्सेप्शन फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में ज्यादा, बायोलॉजी में और बढ़ते जाएंगे, सोशियोलॉजी में और ज्यादा, क्योंकि चीजें जैसी जैसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, वैसे वैसे उनको रेगुलेट या कंट्रोल करने वाली चीजों की संख्या भी बढ़ती जाती है, जो उस बड़ी सिस्टम को काफी वल्नरेबल बना देती है। उन छोटी छोटी चीजों में थोड़ी सी चेंज भी एक बड़ी चीज को एक बहुत ही अलग रूप दे देंगे। जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं,
जिनसे ये चीजें काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। वायरस में केमिकल लेवल पर कुछ चेंजेस जो कि लिविंग यानी बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करने लगे, हम बीमार होने लगे। और जब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट हुए तो हमारे सोशल सिस्टम में काफी सारे चेंजेस आ गए। साइकोलॉजिकल लेवल पर फोबिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस आदि चीजें बढ़ी। लोग एक्स्ट्रा कॉशस रहने लगे। बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस बंद हो गए, जैसे हाथ मिलाना, पास में खड़े रहना। कुछ चीजें मास्क लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मास्क लगाना। बहुत सारे देशों की इकोनॉमी खराब हो गई। बहुत सारी पाबंदियां लगी, बहुत सारे नए लॉज इंट्रोड्यूस किए गए और भी बहुत सारे चेंजेस हुए। और ये सारे चेंजेस हुए एक बहुत ही छोटे से वायरस में होने वाले कुछ बहुत ही छोटे केमिकल चेंजेस के कारण। इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि किस हद तक चीजें कनेक्टेड हैं। एक छोटी सी चेंज ने इतने सारे इफेक्ट कर दिए कि काफी सालों तक उस पर रिसर्च होते रहेंगे, उन पर बातें होती रहेंगी। इन चीजों को ध्यान में रखकर ब्रांचेज ऑफ साइंस वीडियो सीरीज बनाया गया है, ताकि हम साइंस के ब्रांचेज को जान पाए, साथ में यह भी जान पाए कि किस लेवल तक वो किन किन माध्यमों से कनेक्टेड है। साथ में साइंस के उन ब्रांचेज के स्थान भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हमने नहीं पढ़ा या फ्यूचर में आने वाले। इस वीडियो में बातें यहीं तक, हमने एक बेस बना लिया है जिसमें कि साइंस के ब्रांचेज को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम चर्चा शुरू करेंगे फॉर्मल साइंस और उनके ब्रांचेज से, और फिर उसी अनुसार आगे पढ़ते चलेंगे।